तो भैया बात है कुछ ऐसी कि जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ये मूवी या तो बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम टॉप नॉच की राइटिंग और एक्शन भी इतना तगड़ा मिलेगा प्लस हमें गर्ल गडोट भी देखने को मिलेगी या फिर ये मूवी वही घिसी पिटी डुओ जो की चोरों पुलिस वाली होती है वैसी देखने को मिलेगी जिसे हम लोग हजार बार देख चुके हैं एंड भाई बादशाह और डिवाइन दोनों का कोलैब करके एक सॉन्ग भी आया इस पे

तो आज हम ऐसे ही एक्सीडेंट में बात करेंगे <laughs> हाँ तो इन दोनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है फिर उसके बाद रॉक को पकड़ना होता है इन दोनों को तो रॉक क्या करता है वैसे इन दो क्रिमिनल्स के आपस में तो बिल्कुल बनती नहीं थी आपस में झगड़ा चलता रहता था कौन बेटर थीफ है मतलब दोनों साथ मिलकर चोरी नहीं करते ये लोग तो रॉक लेता है रैन रिनोड्स का सहारा पकड़ने के लिए गलग डॉट कॉम और एफबीआई एजेंट का रोल प्ले कर रहा है रॉक ने जैसा कि मैं बता चुका हूं वैसे इस बंदे ने ना अपने लाइफ करियर इतने चेंज करे इतने चेंज करे मतलब तो भाई जोनी का बाप लगता है मतलब मैंने विकीपीडिया पे इस बंदे के लिए सर्च करा कि भाई कौन कौन सी मूवीज करी है मतलब फिल्मोग्राफी पे तो अलग ही विकीपीडिया बना रखा है इसका और एक इसकी लाइफ पर अलग विकीपीडिया इस बंदे ने सौ से ऊपर फिल्में कर रखी है और एक्टिंग में आने से पहले इसका करियर फुटबॉल पे था फिर फुटबॉल से निकल के रेसलिंग में आया डब्ल्यू बहुत पहले वाला फिर उसका रेसलिंग आई डब्ल्यू

बेटर होगा प्लस इस बार उस बंदे ने कैरेक्टर रोल प्ले करा है वर्ल्ड का मोस्ट फेमस थीफ मतलब उस बंदे में जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ भाई मैं वर्ल्ड का बेस्ट थीफ वो कॉन्फिडेंस आपको इस बंदे में देखने को मिलेगा कोई कमी नहीं है कॉन्फिडेंस में प्लस रैन एंड को पैसे की कोई जरूरत नहीं है वो बंदा सिर्फ मजे के लिए चोरी कर रहा है अब फिर आप सोच रहे हो कि भाई चलो रैन एंड नोट्स अपने पुराने तरह के एक्टिंग कर रहा है तो रोक क्या कुछ नया प्रेजेंट कर रहा हो नहीं भाई कुछ नहीं प्रेजेंट कर रहा वो वो भी वही काम कर रहा है जो पुरानी मूवीज में करता आ रहा है मतलब वो ऐसा हट्टा कट्टा एक्शन वाला बंदा जिसकी बुद्धि थोड़ी मोटी है फिर भी पता नहीं कैसे एफ एजेंट बन गया और अब खुद चोर का साथ देके चोर को पकड़ रहा है हाँ तो इसका भी सेम ही रोल है जैसे ये अपनी पुरानी मूवीज फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप में करता आ रहा है बात करते हैं तीसरा कैरेक्टर गर्लग गडोट की अगर वो मूवी में नहीं होती ना तो यार मूवी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती आई मीन मूवी में ना उसने डायनेमिक डालने की कोशिश करी है लाइक जब भी उसकी प्रेजेंस आएगी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ सियापा मचने ही वाला है लाइक like मूवी में आपको रैनोट और रॉक दोनों की ही जोड़ी पसंद आने लगेगी देन सडनली आती है और ये कह जाती है चोर पर भरोसा भारी पड़ सकता है ओ, हो, 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 इसकी रियान भी तो चोरी है अब शायद अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस कैरेक्टर से रिलेटेड कि ये कितनी ज्यादा डायनेमिक है और कुछ ना कुछ सियापा तो लाती है एंड हाँ वैसे इसमें आपको एड सीर का कैमियो देखने को मिलेगा जैसे में लास्ट में हैरी स्टाइल्स का कैमियो था मतलब क्या यार सिंगर ऑफ सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग में घुस रहे हैं अब भाई विजुअल्स इसके जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन के मतलब मैंने उस मूवी की भी बुरी तरह से कि भाई विजुअल्स बिल्कुल ही बेकार है प्लस ऊपर से एक्शन सीट ऐसे है फिजिक्स की गला घोट के हत्या करी जा रही हो पीसीएम से है ना तो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा प्यार है मतलब फेल हो जाओ फिजिक्स में पर दिल में फिजिक्स रहेगी हमेशा अब फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे ही सीन था आपको कुछ इस मूवी में देखने मिलेंगे हेलीकॉप्टर like के बीच में से रॉकेट निकल जा रहा है okay, well done. Well done. होनी चाहिए। मतलब एक एजेंट एक चोर के साथ मिलकर दूसरे चोर को पकड़ रहा है तो मान लिया था मैंने कि भाई ऐसा हो सकता है इतनी बेहूद स्टोरी को मैंने सच मान लिया था बट भाई ये क्या चीज है आप ऐसे कैसे फिजिक्स की कंट्रोल

इज लव मतलब तुम लोग सूर्यवंशी की कॉपी करो मतलब जैसे एक बंदा लिटरली एक बंदा सूर्यवंशी में इधर से आरपीजी फायर कर रहा है और अजय देवगन ने अपने बाल लहराते हुए ऐसे साइड के बच के निकल जाता है मतलब ऐसे जैसे सामने से कोई हीरा फेंक के मारो और ऐसे बच के निकल गया हो और वो रोगिट जाके छह फुट की दूरी पे फट भी जाता है तो प्लीज हॉलीवुड वालों बॉलीवुड से कॉपी करना बंद करो अब इस मूवी को देखते हुए ये ध्यान रख रहा है की आप ये मूवी इसलिए नहीं देख रहे की इसमें डायलॉग्स काफी अच्छे मिलेंगे ये, ये मूवी इसलिए नहीं देख रहे कि भाई इसमें ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्रेजेंट करने को मिलेगा आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि इसमें गर्ल गट काफी हॉट मतलब आई मीन इन तीनों का ट्रायल आपको देखने को मिलेगा इन तीनों में बढ़िया केमिस्ट्री होगी पता नहीं क्या क्या निकल जाता है से एंड रियली रॉक और रियान की जोड़ी काफी भाई मस्त है मूवी में आपको कहीं कहीं हंसी आएगी और कहीं कहीं आप बस स्माइल पास कर दोगे अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो पर आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली पूरा शुरू से लेके एंड तक आपको एंटरटेन ही करेगी आपको उन दो बंदों की केमिस्ट्री देखने को मिलनी है मतलब एक बंदा जो लॉ के बैकग्राउंड से है जो कि पुलिस वाला है जो कि मतलब मेरा देश मेरा कर्तव्य है फिर एक बंदा जो चोर है तो ये दोनों कैसे पहले एनिमी थे फिर कैसे दोस्त बनते हैं फिर इनकी केमिस्ट्री देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा

जो मैंने सोचा आपको बता दो यार क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए ना ट्रस्ट भाई भाई का ट्रस्ट तो ये मूवी एक कॉम्बिनेशन है उन चीजों का जो कि हमने पहले देख रखी है मतलब इस टाइप के जेनरल की मूवीज हमने काफी सारी देख चुके हैं तो मतलब वही ये टिप टिप वर्षा का पानी का रिक्रिएटेड वर्जन मान लो ऐसे ही कुछ ये पुरानी मूवीज का मैशअप है सब कुछ बना के दे दिया हमें एंड ये चीज आप डेफिनेटली फील करोगे भाई इस टाइप की स्टोरी तो हमने कहीं ना कहीं पहले देखी है अब ऐसी मूवी में बहुत सारी सिचुएशन आती है जिन्हें देखकर आपको लगेगा बस यही था तुम्हारे पास दिखाने को आज भी फिर बिरयानी बोल के पुलाव खिला दिए मूवी की एक और कमी है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई इसका नाम है रेड नोटिस तो अगर आपको नीचे वीडियो के नीचे रेड नोटिस मतलब रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे ग्रे बना दो तो, ग्रे नोटिस कर दो तो, वो ज्यादा बेटर होगा तो बस कर दो यार समझ जाओ सो so, मेरा फाइनल रिव्यू क्या है इस मूवी को लेकर तो मतलब ये एक हाइस्ट मूवी है जो कि फोकस करी गई है गर्ल गडोट और रान एनोल्ट दोनों की चोरी के बीच में कि कौन बेटर चोर है बट देन रेन एनोल्ट और डेन जॉनसन उर्फ द रॉक इन दोनों की केमिस्ट्री भी बताई गई है कि, कि कितनी अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है इनकी तो पूरी मूवी इन दोनों की केमिस्ट्री पर बेस्ड है अब इन तीन का जो कैरेक्टर है इन तीनों में जो जितने भी ट्विस्ट आते रहते हैं मूवी के लास्ट में एंड कैसे वो लास्ट तक वो रैप अप करते हैं वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है एंड आई थिंक वो आपको देखनी चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा इस मूवी में इतना ज्यादा एक्शन सीन्स को लेके इतना ज्यादा लॉजिक मत लगाना क्योंकि जैसे आपने सूर्यवंशी को अच्छा बताया बिना लॉजिक के तो वैसे ही कुछ इस मूवी को मान के देख लो यार समझ गया तुम्हारा स्टेटस क्या है जो लोग मुझे बोलते थे भाई सूर्यवंशी देख इतनी बढ़िया मूवी है समझ सकता भाई तुमने पीसीएम ने ली तो दर्द समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द तो खैर मुझे हो रहा है एंड हाँ मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद आप इसके सीक्वल अगर सीक्ल आएगा इस मूवी का तो डेफिनेटली देखने जाओगे तो अब मैं दे रहा हूँ कुछ मूवी के सजेशन जिसमें कुछ मूवीज़ तो रेन एंडोल्ट के हैं लाइक हिट बॉडीगार्ड फिर इस साल आई थी हिट वाइफ बॉडीगार्ड फिर डेडबुल के दोनों पार्ट देख लेना फिर है फास्ट फाइव और फास्ट सिक्स जिसमें गर्ल गडोट है वैसे तो सेवन में भी है बट सेवन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं फास्ट फाइव और फास्ट सिक्स में दोनों में रॉक और गर्ल गडोट भी है ब फिर अगर बात करें डी सी की तो सुपरमैन वर्सेज बैटमैन तो देख ही रहो इसमें भी गर्ल गड आउट है एज अ वंडर वूमैन फिर वंडर वूमेन की एक स्टैंड अलोन पिक्चर तो ही है एक और है वंडर वमेन नाइनटीन एटी फोर करके फिर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जो कि मैंने आर्मी ऑफ द दे डेड में सजेस्ट कर दी थी तो ये थी मेरी कुछ रिकमेंडेशनस इनकी कास्ट पर बेस्ड एंड अगर आपको ऐसी डिफरेंट वीडियोज़ में ऐसे कास्ट पर बेस्ड रिकमेंडेशन चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना और वीडियो कैसी लगी कुछ कमी है कोई पॉइंट मिस हो गया हो वो सब मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड आपके क्या व्यूज हैं इस मूवी को लेकर वो भी बता दो और शेयर कर दो सब कुछ बता दो मुझे कमेंट में अपनी दिल की बातें और कुछ भी रह गया हो लाइक को छोड़ के सब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय गॉड ब्लेस टेक केयर बाय